दोस्तों गुड मॉर्निंग। गाड़ी धुलेंगे और कल रात बारिश हुई थी, गाड़ी बहुत गंदी हो चुकी है और यहाँ धुलने वाला सिस्टम तो है नहीं कोई, इसलिए गाड़ी अपने को ही धुलनी पड़ेगी आज। परसों डीप क्लीनिंग कराई थी कार वॉश पे जाके और आज हम इसकी डीप क्लीनिंग खुद ही करेंगे। शैम्पू शैम्पू सब ले रखा मैंने, देखते हैं यूज़ करके आज कैसे हैं। चलो फिर ये सब प्रोडक्ट तो लिए हुए हैं, देखते हैं क्या क्या है। ये दोस्तों प्लास्टिक के लिए, ये है टायर पॉलिश रबर टायर शाइन, ये है परफ्यूम है और ये है कार वॉश एंड वैक्स, ये शैम्पू है और ये है लेदर क्लीनर इंटरनल लेदर क्लीनिंग, ये डैशबोर्ड क्लीनर। ये सब हैदराबाद में जाके वॉचमैन को सिखाना है, इंटरनल तो हम ही कर देंगे। और ये है ग्लव, ये है सुखाने के लिए, ये है ग्लास के लिए जब गाड़ी गीली हो जाएगी तब उस पर मारने के लिए, और ये है ग्लासेस पे मारने के लिए। चलो दोस्तों शुरू करेंगे प्रोसेस, बहुत गंदी हो रही थी रात, बारिश है गंदी होगी। चलो करता हूँ शुरू। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। दोस्तों गाड़ी धुल के आया, एक घंटा हो गया, बड़ी देर से एक घंटे से सफाई कर रहा था। पहले नहा धो लेते हैं फिर नाश्ता करेंगे और फिर निकलेंगे। चलो नाश्ता करेंगे दोस्तों, घर की भिंडी बैंगन और करेले। दोस्तों मैं जा रहा हूँ अभी राजू के यहाँ, स्कूल नियरबाय 100 मीटर्स। आज तीन दोस्तों के पास जाना है, अब सबसे पहले राजू। तो राजू का हुक्म था कि भाई गाड़ी बिना दिखाए अगर तू हैदराबाद चले गया तो बेटा देख ली होगी। मैंने कहा ठीक है भाई, आ रहा हूँ। तो सुबह गाड़ी तो साफ करी थी मैंने, दिखाया ही था आप लोगों को, मतलब दिखाया नहीं था बताया था। और चलो पहले मिलते हैं राजू से, उसके बाद धीरू और नीरज के पास चलेंगे। चलो फिर मिलते हैं राजू के पास। तो दोस्तों आगे राजू के घर, चलो निकलेंगे और चलेंगे मिलेंगे इससे। और राजू के घर एक बार फिर, अरे अपनी लेजेंडरी बुलेट। पहले चलेंगे अंकल जी के पास, अंकल जी को मिल के आते हैं। क्या कर रहे हैं अंकल जी? अंकल जी सो रहे हैं। ये कहाँ गया भाई? किसी से एडवांस बात कर रहा है, एडवांस। देखो वार्निंग, जीनियस एट वर्क, देखते हैं क्या कर रहा है। वार्निंग जीनियस, लगता है कोई आ रखा है। चलेंगे नीचे अंकल जी से मिलेंगे ना। पापा ये रात मूवी देखी थी आपने? ये देखो अंकल जी, मैं ठीक हूँ अंकल जी, कैसे आप? यही तो है राणा नायडू। अबे तू मुंह बंद कर अपना। बता अंकल जी को कौन हूँ मैं। अंकल जी पहचाने या मन्ना है? अंकल जी नहीं पहचानेंगे, कह रहे पापा पहचानेंगे नहीं। तेरी याददाश्त कर चली गई तू, बकवास कर। ऐसी लेटे ना अंकल जी, तबियत तुबियत तो ठीक है ना? हाँ ठीक है। क्या मंगाया हुआ नाश्ते में भाई? अरे मैं आलू के पराठे बहुत पसंद है अंकल जी को। बस मैं भी अच्छे बना लेता हूँ पर ना ना भाई, मती बनाया कर तू, मती बनाया कर भाई। तेरे हाथ का खा के बीमार होना है क्या ना? भाई स्वच्छ रहता हूँ। स्वच्छ तो रहता होगा, टेस्टी बनाता है, टेस्टी। चलो भाई राजू की टेस्ट ड्राइव हो रही है, मैं लेके जा रहा हूँ। राजू का हुक्म था भैया कि आ जाइयो लेके, गाड़ी दिखा दियो। मैंने कहा बढ़िया। तो नहीं नहीं वही तो कह रहा, मैं हुक्म था भाई, भाई का। गजब, ये है मेरा भाई, हमारे बीच में कुछ नहीं है, कलेश मचाई। कोई कलेश नहीं हमारे बीच में, हम बहुत कलेशी आदमी। हमने पहले इतने कलेश कर रखे हमने पहले इतने कलेश करे हुए कि हम आए मन्ना। हाँ भाई जब तू आता ना ऐसा लगता है ना बिल्कुल भयंकर ना, कि ठंडी हवा नहीं बहती, ठंडी हवा का झोंका, ठंडी हवा का झोंका बेटा, वो एसी से आ रहा है। तो चले भाई फिर ना करो जो भाई, देखो कैसे लग रहे, एक संतरा और एक सफेदा। वो है भगवा, है भगवा भगवा भगवाधारी हो चुके हैं। चल भाई चल मिलेंगे फिर। तो दोस्तों राजू से मिलके जा रहा हूँ अब मैं धीरू के पास, और धीरू को लेके जाएंगे
धीरू और मैं जाएंगे फिर नीरज के पास। चलो फिर आगे दिखाता हूँ आपको। अंदर लगाऊं? ओए, अंदर लगाऊं? अंदर चलेंगे? नहीं चलते? चला रहा रहा रहा। ये दोस्तों अपना बचपन का दोस्त धीरू। हाँ भाई मस्त। क्या चलेंगे नीरज के पे चल रहे हैं। राजू से मिलके आ गया मैं। धीरू और मैं जा रहे हैं अब मलिक के पास। नीरज मलिक दोस्त है अपना। हाँ भाई चल। किधर चलना है? वो बाहर रोड से चलेंगे, टनल रोड से बाहर से जाएंगे या अंदर लेफ्ट राइट में? ये आ गया भाई मलिक का घर। मैं रुक जा बोलता हूँ। हम क्यों जाए गेट खोलने? गेट खोलने नीरज आएगा? आएगा नहीं है। ये अपना दोस्त नीरज मलिक। तो चले। ये देखो अपना कमीना दोस्त बचपन का। साले ब्लॉगिंग में लगे रहता। और क्या है? ये साले बोल तो देता कमीने में दाढ़ी तुड़ी बना के। स्मार्ट लग रहा था। स्मार्ट है तू, तभी तो मैं स्मार्ट दिखूंगा। जब तुम बुड्ढे दिखोगे तभी तो मैं सही दिखूंगा। अब ये होता कहा है तुम दोनों की कहा निकले हमें? यार यार गमले से बढ़िया है। एक तो आलू है, आलू बोले तो बहुत बढ़िया है। ये आलू? आलू बोले के लिए ना, लेकिन हरी मिर्च भी उसने लगाई ना। कौन लगाता? आंटी जी और करते हैं। तू तो नहीं करता? हाँ जी हाँ तू लगा रहा है। चलो भाई चल रहे मलिक के घर। आए थे तो दसवीं के नहीं, स्कूल टाइम के दोस्त। पता नहीं कब के दोस्त है। गाड़ी मस्त लगी भाई तेरी धीरू। थैंक यू भाई। थैंक यू यार। चल धीरू मनना कोई नहीं, एक ही बात है। चल भाई। तो धीरू को छोड़ दिया दोस्तों और मैं निकल गया हूँ अपने ससुराल के लिए। चलो फिर मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। आगे दोस्तों पूनम और के घर चलेंगे ऊपर। ये दोस्तों क्रॉस मॉल देहरादून का, और हम चलेंगे अब नैनीज़ में कुछ खा के आएंगे यार। और दोस्तों हम आए हैं नैनीज़ में और मंगाए हमने नूडल्स, वेज सॉफ्ट नूडल्स, कोल्ड कॉफ़ी, पास्ता। ये है दोस्तों क्रॉस मॉल। हम आए हैं यहाँ शॉपिंग के लिए और हमने खाया है नैनीज़ बेकरी में, बिल्कुल क्रॉस मॉल के सामने। ये रही अपनी पार्किंग, बहुत कॉम्प्लिकेटेड पार्किंग है। कुमार स्वीट शॉप दोस्तों, ये देखो बहुत फेमस है यार ये देहरादून का, बिल्कुल धारा चौकी का अपोजिट है। देखो भाई डीजल का होस पाइप कहाँ से आ रहा है और अपना भी ऐसे ही भर रहा है। पाइप आया ऊपर से। ये चलिए ऊपर। देखो दोस्तों कुमार स्वीट शॉप से रसमलाई लाए थे और ये कुल्लड़ में मिलती है। देखो कितने बड़े कुल्लड़ में मिली है। तो चलो दोस्तों मिलेंगे आपको नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर।